खोया साउथ अफ्रीका को है, लेकिन दर्द पाकिस्तान में महसूस किया गया है। और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों की अम्मा बहन निकल गई है कि क्या देख लिया उन्होंने। पकड़ के बजा दिया संजू सैमसन ने बेटा, ऐसा घंटा बजाया उसने पकड़ के कि उसने बोला भाई एशियन प्लेयर्स को कि इस तरह आगे साउथ अफ्रीका में बैटिंग करते हैं भाई। टिपिकल कोई एशिया का बैट्समैन मुझे निकाल के दे दो जिसने साउथ अफ्रीका में जाके इतनी तगड़ी बैटिंग की हो। आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है, आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। बाउंड्री छोटी थी, पीछे बॉल किए जा रहे, मुंह पे किए जा रहे, उसको जितना धो सकता था उसने साउथ अफ्रीका को धोया। तबाही है भाई, तबाही। ये नेक्स्ट लेवल है, इसके आगे कोई और लेवल नहीं है, ये लास्ट फुल एंड फाइनल है। टोटल 23 छक्के मारे इंडिया ने, 23 सिक्सेस इन दिस मैच, 23 छक्के मारे हैं और उसमें से किसी ने भी नहीं बख्शा। जिसने 36 किया उसने भी 4 छक्के। तो दोस्तों, फ्यूचर स्टार, फ्यूचर हीरो, फ्यूचर जगवार तिलक वर्मा, एक और दिन एक और इंडिया का यंगस्टर छा गया यार। ये इंडिया की नई टीम तो भाई दुनिया के हर कोने में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। The real बाप ऑफ क्रिकेट इस भारत की टीम, इंडियन टीम। सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज वक्त जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना, वो इंडिया है। इसको जो है यू नो, इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उनके यंगस्टर्स ने साउथ अफ्रीका के अंदर जाके साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी। तोबा। होय 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 भाई साहब, स्ट्राइक रेट पे ध्यान दीजिए। ओ ये तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने पहला है तिलक वर्मा, ये क्या चीज निकला भाई साहब, माफ कर दे। मैंने इसको अवेंजिंग एशिया कप में बुरा भला कह दिया कि ये प्लेयर इंडियन टीम में जगह नहीं बना सकता। उसने तो मुंह पे मेरे जूते लाके मारे कि वो क्या उसने बैटिंग करके दिखाई है, क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या जबरदस्त शॉट्स, अनबिलीवेबल। और ये टैलेंट है कि आप उसको एक फेयर चांस दें लंबा। यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के। इंडियन टीम इस टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रही है ना, इस क्वालिटी के प्लेयर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो हमारी मेन टीम है उसके अंदर भी नहीं है। इंडियन टीम ने 283 का एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है, जो पाकिस्तान दोबारा जन्म लेकर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जितने प्लेयर मर जाए, मतलब पाकिस्तान को 3 मरतबा T20 में बैटिंग करवा दो तब भी इतना बड़ा टोटल पाकिस्तान कभी नहीं बनाता। मैं मान ही नहीं सकता कोई एशिया का प्लेयर साउथ अफ्रीका में गया है जिधर थुन्ने में बाउंसर आते हैं और वो जाके T20 क्रिकेट में इतनी तगड़ी बैटिंग करके आ रहा है, ओपनर आ रहा है, नई बॉल भी खेल रहा है, बजा रहा है पकड़ के। ये तबाही है भाई, तबाही। ये नेक्स्ट लेवल है, इसके आगे कोई और लेवल नहीं है, ये लास्ट फुल एंड फाइनल है। टोटल 23 छक्के मारे इंडिया ने, 23 सिक्सेस इन दिस मैच, 23 छक्के मारे हैं और उसमें से किसी ने भी नहीं बख्शा। जिसने 36 किया उसने भी 4 छक्के मारे हैं, 10 छक्के तिलक वर्मा, 9 छक्के संजू सैमसन। तो भाईजान साउथ अफ्रीका कानों को हाथ लगा रहे हैं, भाईजान ये कौन आ गई है, ये कौन सी टीम आ गई है। 283 अभी 5 मैचों में, एक में बांग्लादेश वाला जो लास्ट मैच था 297 रन बोर्ड में डाले, 297 रन और आज 283। ये T20 क्रिकेट है भाईजान, इतने 50 ओवर में नहीं बनते, 50 ओवर का टोटल है ये 283 का, और ये 20 ओवर में बन रहे हैं। मैंने ट्वीट डाला कि अभी यार 6 ओवर रहते हैं और 200 ऑलमोस्ट हो गया, 1 रन पीछे था, और अब देखते हैं कि यहां से कितने बनेंगे। तो भाई साहब 283 रन, किसी को भी नहीं बख्शा, और रेंज ऑफ शॉट इट इज इमेंस रेंज ऑफ शॉट्स है, ना स्पिनर्स को ना फास्ट बॉलर्स को, कोई स्लो डिलीवरी डाल रहा है उनको भी। तो भाई जान ये वाली तबाही जो है ये नहीं देखी, ये वाकई नहीं देखी, जो बार 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 ये डिस्प्ले हो रहा है, ये जो लाइसेंस दिया गया। और अभी बाहर कौन बैठा हुआ है, सूर्या कुमार यादव, सूर्या कुमार यादव जैसा बैट्समैन अभी उसकी बारी नहीं आई, वो बाहर बैठा हुआ है। और किस किस से जान छूटेगी और किस किस से तुम जान छुड़ाओगे, एक से जान छूटेगी दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से जान छूटेगी तीसरा पकड़ लेगा, अभी तो वो बाहर भी बैठे हुए हैं बल्लों को तेल से लगा के। अभी सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वो रमनदीप को भी डाला हुआ। तो यू इतनी लंबी बैटिंग और इतनी शानदार और शाहकार बैटिंग, जान छूटेगी तो भाईजान किससे जान छूटेगी, किस किस से जान छुड़ाएंगे, इतनी लाजवाब हिटिंग ये अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आपको मेरी आवाज में थ्रिल नजर आ रहा होगा, एक एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी कि भाईजान ये नेक्स्ट लेवल है, इससे आगे कोई लेवल है नहीं। ट्रेंड सेटिंग किस्म की ये टीम खेल रही है और इस तरीके का जो ट्रेंड है वो किसी और से मैंने देखा नहीं। ठीक है, टीमें अच्छा करती हैं, जीतती भी हैं, और मैंने आपको इनकी कंसिस्टेंसी भी बताई कि इस साल अभी तक ये इनका 26वां T20 इंटरनेशनल मैच है, सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं, जस्ट 2 मैचेस, और एक अभी इसी सीरीज का और एक पहले, 26 में से सिर्फ 2। और इस तरह की जो परफॉर्मेंस हो, जो तबाही बैटिंग हो, तो फिर कैसे टीमें हारती हैं।
इंडिया को, इस वजह से मैं फैन हूं इंडियन टीम का कि ये है इंडिया की बैटिंग, ये है इंडिया के प्लेयर्स, इस तरह मजा आता है, इस तरह एंटरटेनमेंट होती है। नहीं भाई, आपको तो पता ही नहीं है इंडिया के क्या करते हैं, आप इंडिया के उठाने वाले बने हुए। बहुत क्रिटिसिज्म सहता हूं मैं। आज मैं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के 2% के बिकाऊ लोग हैं, इन सबसे पूछता हूं कि अब बोलो तुम्हारे बाप ने यहां पर घंटा बजाया कि नहीं बजाया, तुम्हारे बाप ने यहां पर सेंचुरियां की कि नहीं की। दो प्लेयर, एक नहीं, दो प्लेयर ने सेंचुरी की है और बहुत ही आउटक्लास सेंचुरी की है। ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट है जो पाकिस्तान जिंदगी में नहीं भूल सकता। देखो धोया साउथ अफ्रीका को है, लेकिन दर्द पाकिस्तान में महसूस किया गया है। और मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि पाकिस्तान में लोगों की अम्मा बहन निकल गई है कि क्या देख लिया उन्होंने, वो वाला सीन हो गया पाकिस्तान में। ये हैं पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं देखते, और देख लो इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है। और ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आने से डरता है, और ये डरते हैं, और ये घर में घुस घुस के मारते हैं लोगों को। क्या कहते हैं, ये घर में घुस घुस के मारते हैं, ऐसी की तैसी करते हैं लोग। यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन ठोकता जाए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाते जाओ। आज चौथे T20 मैच में भारतीय टीम का मुकाबला जब साउथ अफ्रीका से हुआ तो और भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई, तो भारतीय ओपनर अभिषेक हुआ तो और भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई, तो भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ आए संजू सैमसन ने शुरू में ही बता दिया था कि आज उनके इरादे किस तरह के हैं। और उन्होंने जो शानदार हिटिंग शुरू की, शुरुआत से ही बस वो दौर फिर आखिरी ओवर तक चला। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए 18 गेंदों में 36 रन बनाने के बाद, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने चार्ज लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे छक्के लगाए कि पूछो ही मत। और उनके साथ बैटिंग कर रहे तिलक वर्मा ने भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बस पूछो मत। और दोनों प्लेयर ने शानदार बैटिंग की और अपने शतक पूरे किए। और इसे देखकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि हम आज कहां फंस गए, क्योंकि जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से कोई भी गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को गेंदबाजी करना पसंद नहीं करेगा। और उन्होंने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं कि कई बार तो उन्होंने गेंद को ही मैदान से बाहर पहुंचा दिया और गेंद खो गई। वहीं अगर बात करें भारतीय यंग टैलेंट की, तो ये दोनों युवा बल्लेबाजों ने आज वो करके दिखाया है कि जिस पर जिसके लिए उन्हें गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया था। क्यों वो इतना विश्वास संजू सैमसन पर दिखा रहे थे, और संजू सैमसन ने ऐसा ठोका है कि बस पूछो ही मत। पहले मैच में भी संजू सैमसन ने शतक लगाया था, और उसके बाद दो मैच में वो जब 0 रन पर आउट हुए तो पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया और बता दिया कि संजू सैमसन चीज क्या है। और उनके साथ साथ तिलक वर्मा ने इससे पहले शतक लगाया था, और आज फिर उन्होंने करके दिखा दिया कि क्यों वो टीम इंडिया में डिजर्व करते हैं अपनी जगह। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने आज दुनिया को बता दिया कि T20 क्रिकेट हिंदुस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है, दुनिया की सबसे खतरनाक टीम, बल्कि T20 की ऐसी की जैसी पूरी दुनिया की क्रिकेट में T20 से बड़ा कोई नहीं है। खुद सोचिए, इंडियन क्रिकेट टीम ने 283 का एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है जो पाकिस्तान दोबारा जन्म लेकर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जितने प्लेयर मर जाए, मतलब पाकिस्तान को 3 मरतबा T20 में बैटिंग करवा दो तब भी इतना बड़ा टोटल पाकिस्तान कभी नहीं बनाता जो आज हिंदुस्तान ने बनाया है, जो आज इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान 3 दफा बैटिंग करके ये टोटल नहीं बना सकता। ये बार बार हमारी टीम 64 पे 9 आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, किसके गेंस 64 for 9 हमारी टीम, और यहां पर इंडिया ने 283 मार दिए हैं। ये कौन सी क्रिकेट खेली है हिंदुस्तान ने, ये कौन सा क्रिकेट का अजूबा निकाला हिंदुस्तान ने। तिलक वर्मा बैक टू बैक सेंचुरी, संजू सैमसन या तो भाई मारेगा सेंचुरी या मारेगा जीरो। देखो संजू सैमसन ने भी सिंपली बोल दिया कि मैं मारूंगा सेंचुरी, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखा दो मुझे। आज संजू सैमसन ने एक और सेंचुरी मारी, अपने 5 में से 3 मैचों में बंदा सेंचुरी मार के बैठा है, ये एक और रिकॉर्ड है। इंडिया ने 23 छक्के मारे, ये एक और रिकॉर्ड है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, ये एक और रिकॉर्ड है। इंडिया ने हिंदुस्तान ने आज इतने रिकॉर्ड छोड़े कि मेरी जबान थक जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड खत्म नहीं होंगे।